हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग आईपीएल में कार्टून कॉमेडी कैसे बना सकते हो। अभी जैसा कि आईपीएल सीजन चल रहा है तो आप उस पर कार्टून कॉमेडी बना करके अच्छे खासे महीने में पैसे अर्न कर सकते हो और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप लोग आईपीएल से शुरुआत कर सकते हो, इस तरीके का कार्टून बनाकर शुरुआत कर सकते हो और अपने चैनल को बहुत जल्द ग्रो कर सकते हो और एक महीने के अंदर अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। जैसा मैं अभी आपको कार्टून बनाना सिखाने वाला हूँ, कार्टून कॉमेडी बनाना सिखाने वाला हूँ। आप लोग क्रिकेट पर भी बना सकते हो इस तरीके का कार्टून कॉमेडी और बॉलीवुड मूवी पर भी बना सकते हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, काफ़ी मजा आने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरीके का कंटेंट इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बहुत सारे लोग इस तरीके का कार्टून बनाकर अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं और अपने चैनल को एक महीने के अंदर अंदर बहुत जल्द ग्रो कर लिए हैं अपने चैनल को। और अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे लोग इस तरीके का कार्टून बनाकर अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं और अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, और आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो और कैसे कार्टून को क्रिएट कर सकते हो, तो कॉमेडी को बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला बात, अगर आप इस तरीके का कार्टून कॉमेडी बनाना चाहते हो तो शुरू से अंत तक जरूर देखना वीडियो को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कार्टून को क्रिएट किया जाता है, कैसे वॉइस ओवर किया जाता है। एक एक सेटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, क्या क्या आपके फ़ोन में एप्लीकेशन होना जरूरी है इस कार्टून को, इस कॉमेडी को बनाने के लिए। तो सबसे पहला नंबर पर आता है पिक्सेल लैब एप्लीकेशन। पिक्सेल लैब आपके फ़ोन में होना चाहिए। और दूसरा नंबर पर है आपके पास रिमूव बीजी, एक एप्लीकेशन आता है फोटो के बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, वो काम आता है, तो आपके पास होना चाहिए। और तीसरा नंबर है अगर काइन मास्टर वीडियो एडिटर, मतलब एक वीडियो एडिटर ऐप होना चाहिए आपके फ़ोन में। काइन मास्टर ले सकते हो आप लोग, उसमें कर सकते हो, या फिर विडमा, वो फ्री है, उसमें वाटरमार्क नहीं आता, फ्री में आप उसको यूज कर सकते हो। और चौथा नंबर पे एप्लीकेशन है वो है हमारा मग लाइफ। एक मग लाइफ एप्लीकेशन है, आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च करोगे मग लाइफ लिख करके तो आपके सामने फर्स्ट में आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। तो चार एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होना चाहिए इस कार्टून को क्रिएट करने के लिए, उसके बाद आप लोग इस कार्टून को आसानी से बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि कैसे लोग इससे अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं इस तरीके का कार्टून से, इस तरीके का कॉमेडी वीडियो से। चलिए चलते हैं सीधा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। आ चुके हैं हम लोग अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पर लाइव कि किस तरीके से लोग ऐसे कार्टून कॉमेडी क्रिएट करके कैसे अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं और अपने चैनल को बहुत जल्द ग्रो कर रहे हैं। ये देख सकते हो क्रिकेट फन, इस चैनल का नाम है क्रिकेट फन। ये देख सकते हो आप लोग इस पर 42.3 के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 42,300 सब्सक्राइबर हो चुका है। और सारे वीडियो पर व्यूज भी देखोगे आप लोग तो अच्छे खासे सारे वीडियो में व्यूज आ रहे हैं। इसको 11 घंटा पहले इसने अपलोड किए थे 3.7 के व्यूज, 14 घंटा पहले 11 के व्यूज, यानी कि 11,000, 16,000, 8,000, 10,000, मतलब अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं इस चैनल पर, ऐसे ऐसे वीडियो पर। ऐसा बहुत सारा चैनल आपको मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। एसटी क्रिकेट फनी एक ये भी चैनल है, 2 घंटा पहले इसने वीडियो अपलोड किया था, 1.9 के व्यूज आ चुका है। बहुत सारा आपके सामने क्रिकेट फन चैनल आ जाएगा, क्रिएट कर सकते हो। बहुत लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे बड़े हों या छोटे हों या छोटे बच्चे हों, सारे लोग इस ऐसे कॉमेडी कार्टून को पसंद करते हैं और क्रिकेट देखने वाले और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आप चलते हैं कि किस तरीके से ऐसा कार्टून बनाना है वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करके फ़ोटो डाउनलोड कर लेना है जिस भी करेक्टर को आप लोग बनाना चाहते हो कार्टून में। धोनी, एमएस धोनी का बनाना चाहते हो तो एमएस धोनी को फ़ोटो डाउनलोड कर लेना है। विराट कोहली का भी डाउनलोड करना है अगर विराट कोहली का भी बनाना चाहते हो तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से ही। तो अब सबसे पहले आपको रिमूव वीजी एप्लीकेशन को ओपन करना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। और जो डाउनलोड किया था आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। ये मैंने रिमूव कर लिया बैकग्राउंड। अब आपको आ जाना है पिक्सेल लैब में, पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में रिमूव कर लेना है। अब पहले 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक करके कस्टम पे क्लिक करना है, यूट्यूब थंबनेल वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ये साइज पे आपको क्रिएट करना है। अब आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर चले जाना है। अब उस फोटो को यहाँ पर लेना है
जिसको आप लोग क्रिएट करना चाहते हो। बैकग्राउंड को यहाँ पर लेना है आपको, तो बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। मान लो ये मेरा बैकग्राउंड है, यहाँ पर मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। ये जो बीच वाला आइकन दिख रहा है आपको, ये इस पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पे चले जाना है। अब जिसका मैंने रिमूव हमने किया था बैकग्राउंड, विराट कोहली का सबसे पहले ले लेते हैं, सिलेक्ट करना है। अब क्रॉप करके इसका सिर्फ मुंडी लेना है। मैंने मुंडी ले लिया इसका। अब अच्छे से इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सिर्फ मुंडी लेना है, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे, एक ऑप्शन दिख जाएगा इरेजर का, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको ये रिमूव कर देना है, सिर्फ मुंडी इसका लेना है। मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ आपको, आप लोग अच्छे से ध्यान से करना। ये मैंने ले लिया, अब एडजस्ट कर लेना है आपको, देख सकते हो ये मैंने लगा दिया। अब फिर से इंपोर्ट पे चले जाना है, अब दूसरे करेक्टर को लगाना है यहाँ पर, ओके पे क्लिक करना है। अब इसको भी एडजस्ट कर लेना है, ये देख सकते हो आप लोग, ये एडजस्ट हो चुका है हमारा करेक्टर। अब आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक किया, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, कस्टम को अल्ट्रा में करना है, जेपीजी को पीएनजी में, अब सेव टू गैलरी हमारा। अब थर्ड एप्लीकेशन में आपको आना है, मग लाइफ, ओपन करना है मग लाइफ को। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कॉर्नर में राइट साइड में फ़ोटो का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब उस कैमरा रोल पे क्लिक करके उस फोटो को यहाँ पर ले लेना है, गैलरी में चले जाना है। हमने जो फोटो वहाँ पर सिलेक्ट किया था, बनाया था पिक्सल लैब में, उस फोटो को आपको ले लेना है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझ लेना अच्छे से, नहीं तो आप लोग क्रिएट नहीं कर पाओगे ऐसा कार्टून वीडियो। अब आपको कुछ एनिमेशन मिल जाएगा, आपको वो एनिमेशन यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर बम मिल रहा है, बम को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। ये मैंने एक एनिमेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब आपको शेयर वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के लिए वीडियो लूप पे आपको चले जाना है, क्लिक करना है। वीडियो लूप पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, वीडियो आपका सेव हो जाएगा, सेव टू कैमरा रोल। अब आपको आ जाना है बैक। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है, काइन मास्टर में आपको एडिट करना है। काइन मास्टर को ओपन करना है, कैसे एडिट करना है इसको, कैसे वॉइस ओवर करना है, ध्यान से आप लोग समझना एक एक स्टेप, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये आ गया हमारा न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। रेशियो रखना है 16:9, जो है वैसे ही छोड़ देना है। क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब आपको मग लाइफ बना हुआ एक फाइल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके वीडियो को ले लेना है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर हमने वीडियो को ले लिया। ये इतना छोटा है तो इसको कॉपी करके बड़ा कर लेना है। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, ये बड़ा हो चुका है। ऐसे ही आप लोग जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हो। तो ये आ गया, देख सकते हो, प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों करेक्टर एक साथ ही बोल रहे हैं, विराट कोहली भी बोल रहे हैं और रवि किशन जी भी बोल रहे हैं एक साथ। तो सबसे पहले आपको जिसको बुलवाना है उसको यहाँ पर लेना है, आपको बुलवाना है। तो बुलवाने के लिए सबसे पहले विराट कोहली को बुलवाना है, तो आपको लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर ये जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, मीडिया पे चले जाना है। अब उस पिक्सेल लैब जो एप्लीकेशन है हमारा, उस फोटो को ले लेना है पिक्सेल लैब में जो हमने सेव किया हुआ था। फोटो को यहाँ पर लेने के बाद अब आपको इसको बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ये देख सकते हो हमने एडजस्ट यहाँ पर कर लिया।
अब जहाँ से जहाँ तक विराट कोहली को बुलवाना है वहाँ तक आपको लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन आप दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको स्प्लिट पे क्लिक कर देना है, कट हो जाएगा इस पर। अब आपको इस पर क्लिक करना है, क्रॉप पे क्लिक करना है और क्रॉप करके आपको यहाँ से यहाँ तक विराट कोहली को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कट कर देना है, क्रॉप कर देना है विराट कोहली को फोटो जैसे किया हमने। अब आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हो आप लोग विराट कोहली बोल रहे हैं तो अब रवि किशन विराट कोहली बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक विराट कोहली बोल लिए, अब रवि किशन को बुलवाना है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कट किया था हमने बीच में स्प्लिट तो राइट, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके अब आपको फिर से क्रॉप में आना है, अब रवि किशन को यहाँ से यहाँ तक क्रॉप कर देना है, विराट कोहली को छोड़ देना है, बैक आ जाना है। अब देख सकते हो आप लोग, मैं दिखाता हूँ आपको, ये विराट कोहली अभी बोल रहे हैं, अब रवि किशन बोल रहे हैं, विराट कोहली सुन रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग कार्टून कॉमेडी को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। मैं जल्दी जल्दी में आपको अच्छे से नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से कर लेना। और वॉइस ओवर करने के लिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको रिकॉर्डिंग का, यहाँ पर ये वाला, यहाँ से क्लिक करके आप लोग अपना वॉइस ओवर स्टार्ट कर सकते हो, अपने कॉमेडी में वॉइस ओवर कर सकते हो, फनी में। अभी IPL का भोजपुरी, जो भोजपुरी भाषा में IPL हो रहा है, कमेंट्री हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा अभी चांस है आपका वीडियो वायरल होने का, तो आप लोग वीडियो भोजपुरी में भी बना सकते हो, कॉमेडी बना सकते हो। अगर आपका वॉइस ओवर कम्प्लीट हो गया, कम्प्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके ये जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से क्लिक करके आप अपने वीडियो को सेव कर सकते हो, यहाँ से सेव एज वीडियो पे क्लिक करके। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।